लाजपुर हाईकोर्ट ने जीरम घाटी हत्याकांड में सुनवाई करते हुए आयोग के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही मामले में आयोग को सक्षम बताया। वहीं सरकार का आवेदन डिवीजन बेंच से खारिज होने के बाद महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सरकार को भी आयोग से संबंधित अधिनियम में सुधार को लेकर सलाह देंगे, क्योंकि ऐसे मामलों को सुनवाई के दौरान कई नई बातें सामने आती हैं, इसलिए वो सरकार को इस बारे में सुधार करने के लिए अभिमत देंगे। आज डिवीजन बेंच का निर्णय है कि आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और क्वासी जुडिशियल उनकी प्रक्रिया है, वो अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने को स्वतंत्र और सक्षम है, इसलिए हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमारे हिसाब से ये फाइंडिंग उचित नहीं है, ये ऑर्डर चलने योग्य नहीं है, इसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। और साथ ही साथ हम इस अधिनियम पे भी मैं सरकार को अभिमत अपना देना चाहूंगा कि ये अधिनियम में भी बहुत सारी कमियां हैं,